Dear colleagues at bar, dear students, ladies and gentlemen, obiter dicta and ratio decidendi. What is obiter dicta and what is ratio decidendi? Uh, that is the topic for my today's video, but uh, before that, dedication. I hereby dedicate my this video to Dr. Abid Qureshi, uh, my teacher of FC College. Later on, he became the principal FC College. What a great man, Doctor! Thanks very much. Obiter dicta, first of all. Obiter dicta, dicta, judicial dicta, or dictum, it is one and the same thing. Obiter dicta, judicial dicta, dictum, or just dicta, it is one and the same thing. In the field of precedent, meaning thereby a judge made law these two terminologies are very very important for a lawyer to know ratio decidendi means the principle of law on the basis of which some case is decided that is called ratio decidendi first i will be explaining my dear fellows what is टर डिक्टा और जुडिशियल डिक्टा एज आई हैव सेट जस्ट बाय दिमार्क्स ऑफ ए जज वाई गिविंग सम जजमेंट दोज रिमार्क्स विच आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ केस इन हैंड बजाहिर देखने में वो इरेलीवेंट भी लगते हैं दोज आर नोन एज डिक्टा जस्ट बाय दिमार्क्स चर्च फॉर एग्जाम्पल नाइनटीन एटी 1984 में लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस मोहम्मद मनीर खान साहब ने रिमांड के ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी इट्स अ रिपोर्टेड जजमेंट उनके पास बेसिकली एक केस की जमानत थी तीन की जिसके फैक्ट्स कुछ इस तरह से थे कि दो साल से जुडिशल लॉकअप में अक्यूज था और ना उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई थी ना ही ट्रायल कमेंट्स हुआ था बेसिकली केस वाज इंटरेस्टेड टू हिज कोर्ट कि वो ये फैसला करें कि बेल ग्रांट करनी है या नहीं करनी बट वाइल डिसाइडिंग दैट केस जस्टिस मोहम्मद मनीर खान लेट ने एक लंबा चौड़ा रिमार्क्स दिए थे डिक्टा पास किया था जिसमें उन्होंने पुलिस की फंक्शनिंग को क्रिटिसाइज किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि यह पुलिस लोगों की लिबर्टीज के साथ खेलती है यह इनकम्पिटेंट भी है मेलाफाइड इन्वेस्टिगेशन भी करती है यह इनोसेंट लोगों को गिरफ्तार करके इनके पास इन्वेस्टिगेशन का टाइम ही नहीं होता उसके बाद उन्होंने एक डिक्टा पास किया था कि आज के बाद हर तफ्तीश चौदह दिन के अंदर अंदर एज लेट डाउन इन सेक्शन वन सेवेंटी थ्री द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वो कंप्लीट होगी कंप्लीट और इनकम्प्लीट चलान विल बी सबमिटेड मैक्सिमम दो महीने के पीरियड में कंप्लीट होगी उसके बाद साथ ही उन्होंने डिकटा पास किया कि मैजिस्ट्रेट से बान भी मकेनिकल अंदाज में ये जो जुडिशियल रिमांड देते हैं वो आज के बाद मकैनिकल तौर के ऊपर ये रिमांड नहीं देंगे अब बेसिकली काइंडली डू अप्रिशिएट माई डियर फेलोज उनसे यह नहीं पूछा गया था कि पंजाब की पुलिस जो है वो ठीक काम कर रही है या ठीक काम नहीं कर रही ही वॉज सपोज टू गिव जजमेंट रिगार्डिंग दैट बेल पर्टिकुलरली बट वाइल डिसाइडिंग दैट बेल एप्लीकेशन उन्होंने यह डिक्टा पास किया एंड इट विल नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू मैं हियर एंड पे उन्होंने लिखा था कि ये मैजिस्ट्रेट समझते हैं मैजिस्ट्रेट सबान समझते हैं कि ये किसी को जवाब दे नहीं आज के बाद उनकी जजमेंट की जो आखिरी पार्ट है कि मेरी इस जजमेंट की कॉपी हर सेशन जज साहब के पास जाएगी एसपी के पास जाएगी तमाम मजिस्ट्रेटों के पास जाएगी दे विल इंश्योर द इंप्लीमेंटेशन अदरवाइज प्रोसीडिंग्स खुद इनिशिएट हाई कोर्ट करेगी अब ये जो बाई वे रिमार्क्स थे जिनकी मैंने एग्जाम्पल दी है ये टेक्निकली स्पीकिंग जो में फिलोसफी ऑफ लॉ में इन द फील्ड ऑफ प्रेसिडेंट इसे हम जुडिशियल डिक्टा या डिक्टम या ओबिटर डिक्टा कहते हैं इसी फील्ड में जो दूसरी टर्मनोलॉजी जिसपे मैं आज अपनी इनपुट देना चाहता हूं दैट इज रेशियो डिसाइडेंडी। साइडेंडी देर बाय द प्रिंसिपल ऑफ लॉ

ट्रायल शुरू किया है मुल्म को नोटिस गए समन गए वारंट गिरफ्तारी इशू हुए वो नहीं आया इन एबसेंशिया ट्रायल कमेंट्स हुआ यानी मुल्जम की गैर हाजिरी में उन्होंने ट्रायल किया और तीन साल सजा दे दी देर आफ्टर अक्यूज वो अगर हाईकोर्ट में जाता है और वो ये प्लीज है कि जी मुझे तो कभी को समन नोटिस आए नहीं थे और ये ले मेरे आईडी कार्ड की कॉपी जब एफ दर्ज हुई मेरी रिहाइश डिफेंस में थी और अब मेरी रिहाइश फला जगह रोड के ऊपर है और आई वॉज कंडेमड अनहर्ड यानी मीनिंग देर बाय इन दिस केस प्रिंसिपल ऑफ आर्डियो आल्टम पाल्टम हैज बिन फ्लाउटेड मुझे तो सफाई का मौका ही नहीं दिया गया फर्ज किया हाईकोर्ट के जज साहब मुलजम के इस प्लीस से इतफाक करते हैं और केस को दोबारा कहते हैं रिट्राई करो इसको सफाई का मौका दो तो ये जो जजमेंट है ये किस प्रिंसिपल ऑफ लॉ को सामने रख के दी गई है प्रिंसिपल ऑफ लॉ लॉ वही है नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड किसी का मौके सुने बगैर उसके मतलब कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए principle of audio altum ko hum this is the ratio decidendi of this case so ladies and gentlemen this is obiter dicta and ratio decidendi with reference to the field of precedent with reference to the jurisprudence and the philosophy of law and with this i say goodbye thank you